किशन को लेकर राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जंगल से बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। पुलिस ने दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से नक्सलियों के पांच बड़े बॉम्ब बरामद किए हैं। साथ ही चाइना मॉडल पिस्टल के कारतूस सहित बड़ी मात्रा में बंदूक की गोलियां भी बरामद की गई है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि 30 जून को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल नक्सली डेविड उर्फ रमेश उइके की निशानदेही पर पुलिस ने नक्सलियों के पांच बड़े डंप को बरामद किया है। राजनांदगांव पुलिस ने बाघ नदी और गातपारा के जंगल में गड़ा कर रखे हुए सामानों को बरामद किया है। राजनांदगांव जिला पुलिस बल, डीआरजी छत्तीसगढ़ सब बल और बीजीएस की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई में पुलिस ने जंगल के बीच सील के डिब्बे गड़ा कर रखे गए इन तमाम सामानों को बरामद किया है। इसमें AK-47 के 35 नग कारतूस और 12 बोर बंदूक के 15 नग कारतूस और 9 MM पिस्टल के 345 नग कारतूस, SLR राइफल के 159 नग कारतूस और 303 बोर राइफल के 165 नग कारतूस और 22 बोर के 135 नग कारतूस, तो वहीं चाइना मॉडल पिस्टल के 114 नग कारतूस सहित 975 नग कारतूस बरामद किए गए हैं। से पूछताछ की, उसकी निशानदेही पे हमने पिछले हफ्ते में 3 डंप सर्च किए दादे कसा एरिया में, जिसमें से एक डंप में बहुत भारी मात्रा में एम्युनिशन कारतूस मिले हैं। करीब 975 राउंड है, अलग अलग वेपन के, अलग अलग नंबरी में है।